सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर के साथ हज मिनिस्ट्री की भी मुझे जिम्मेदारी मिली है। प्रोग्राम मेरा गुलबर्गा शरीफ में हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गिलसुदरस के दरबार में इतना बड़ा मुझे मौका मिला है। This video presented by Barker's Public School, Gulbarga. Your kids deserve the best education. Interactive and engaging activities, holistic teaching and learning. 2023 admission are in progress, nursery to grade 9. Address behind KNZ Garden Function Hall, Ring Road, Gulbarga. शरीफ हजरत ख्वाजा बंदा नवाज मनाने जा रहे हैं। कदीम तारीखी सनती नुमाइश की इफ्तिता से कुर्स शरीफ की इब्तदा की जा रही है। मैं हजरत ख्वाजा बंदा नवाज के वसीले से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हजरत सज्जादा नशीन साहब कुबरा को सेहत व आफियत और दराज उम्र अता फरमाएं। और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि तकद्दस मां की सदारत में हम सब इस अजीम शान सनती नुमाइश की इफ्तिता की सआदत हासिल कर रहे हैं, जिसका इफ्तिता बदस्त जनाब इज़्ज़त मआब रहीम खान साहब वज़ीर हज हुकूमत कर्नाटका के हाथों अंजाम दिया जाएगा, जिनका मैं तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपनी मसरूफियात के बावजूद हमारी दावत को कबूल फरमाया। मैं इसी के साथ सैयद शाह बाकर शब्बीर हुसैन साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वह तशरीफ लाए। आज के स्कूल मसरत जलसे में शरीक तमाम ज़ायरीन ज़ायरीन बंदा नवाज और तमाम हाजिरीन का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज के वसीले से दुआ करता हूँ कि हम सबको अपने मुल्क व वतन में अमन और शांति अता फरमाएं। और सनती नुमाइश के तमाम दुकानदारों को का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने दूर दराज सफ़र करके तकालीफ बर्दाश्त करते हुए अपनी दुकानों को इस सनती नुमाइश में लगाया है। अल्लाह उनके कारोबार में बरकत व तरक्की अता फरमाएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे सज्जाद नशीन साहब को, हमारे खुसरे भाई साहब को कितना भी मैं बोलूँ, कितना भी शुक्रिया अदा करूँ तो कम है। यहाँ से बच्चे जितने भी डॉक्टर्स इंजीनियर्स दूसरे दूसरे एजुकेशन फील्ड में पूरी दुनिया में जाके खिदमत दे रहे हैं और ये तो सिलसिला अभी चला है, मगर दीनी मदरसे तो मैं समझता हूँ हजरत ख्वाजा बंदा नवाज के सुदरास उनके दौर से अभी तक वो कंटिन्यू चल रहे हैं और अभी भी बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे देश में और पूरे कर्नाटक और पूरा गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में हर जगह कई हाफिज कई जगह खिदमत दे रहे हैं। तो इसके लिए मैं सरकार की तरफ से भी, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका सरकार की तरफ से भी जो भी हो सपोर्ट पूरा रहेगा और हमारा भी पूरा रहेगा। तो मैं
और सीएम सिद्धरामैया जी भी बहुत ही अच्छी तरीके से हर बार इस दरबार पे आ चुके हैं, और नेक्स्ट टाइम इनका सीएम का अगर दौरा रहा तो गुलबर्गा दरगाह पे जरूर आएंगे वो। तो इसके लिए मैं भी गुलबर्गा की जनता को और यहाँ इस महफिल में सभी लोग बैठे हैं उन सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जो हम यहाँ इस्तेफाई इलेक्शन में तशरीफ फरमा है, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका और जितने भी ताजिर हजरात यहाँ है सबका मैं खैर मकदम करता हूँ। मैं बहुत ही कम वक्त में आपसे कुछ चीज़ें बयान करता हूँ। ये 619वां और शायद अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत सैयद मोहम्मद हुसैनी जैसे दराज रहमत गुजार गए आप यहाँ गुलबर्गा दिल्ली से तशरीफ़ लाए तो ज़रिए खुदाबाद जहाँ आपके वालिद बुजुर्गवार की मज़ार शरीफ है, फिरोज़ शाह उस दौर का बादशाह था, उसने जब उसको जब मालूम हुआ कि हज़रत ख्वाजा बुजुर्गवार तशरीफ़ लाए हैं खुदाबाद, तो आपने दावत भेजी कि वो गुलबर्गा आके मुकीम हो जाए। ख्वाजा साहब ने उस दावत को कबूल फरमाया। यहाँ आने से पहले दक्कन की तरफ आने से पहले दिल्ली में वो हज़रत नसीरुद्दीन महमूद चिराग़ दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में वो हैसियत खलीफा खास गद्दी पर तशरीफ़ फरमाते। उस दौर में सज्जादा नशीन का इस्तेला नहीं होती थी, लेकिन जो जानशीन होता था उसको खलीफा खास कहा करते। सज्जादा नशीन की जो इस्तेला है वो दरगाही निज़ाम होने के बाद ज़्यादा मुसलमान है। आप 44 बरस दिल्ली में खानकाहें चिराग दिल्ली में जो हिदायत का काम अंजाम देते रहे। अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसुदरास के दरगाह पे ज़ियारत करके और उर्से शरीफ 619वां आज बहुत ही शानदार तरीके से उसका इफ्तिताह हुआ है, उद्घाटन हुआ है। तो मैं हज़रत सैयद शाह खुसरो साहब का जो सज्जाद नशीन है, बहुत बड़ा प्रोग्राम था वहाँ पे, आप भी बात किए हैं तो मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही आपके फर्जंद डॉक्टर अली साहब का भी और मुस्तफ़ा साहब का भी और पूरे काउंसलर्स बिदर से हमारे काउंसलर्स भी पहुँच गए हैं। तो इस तरह से अभी हम फिलहाल बाज़ार का उद्घाटन किया है, यहाँ पे सभी कम से कम 400 चिल्लर छोटे बड़े पूरे एग्जीबिशन के बड़े बड़े शॉप आए और पूरे ऑल इंडिया से यहाँ पे एग्जीबिशन में सभी लोग इन्वॉल्व हुए हैं। अब सभी लोग अपने तरफ से बड़े छोटे बड़े बड़े शॉप डाले हैं, उनके इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन भी पेश किए हैं और एक फेमस कई सालों से एक फेमस यहाँ पे दुकान है यूसुफी मसाला बोल के, बहुत ही फेमस है जो ऑल इंडिया लेवल जा उसका नाम है। तो उसी दुकान पे उसी एग्जीबिशन में शॉप में हम आए हैं। तो इस बार मैं बहुत पहले एक बार दुकान पे विज़िट किया था तो खाली एक या दो आइटम मिलते थे जो मसाला फेमस है, मगर अभी बहुत से आइटम
15 से 20 एटम निकले हैं यहाँ पे, तो मैं इसलिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जो इतर है, फेस क्रीम्स है, मेहंदी है, इस तरह से बहुत से आइटम्स है। तो और यहाँ पे हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज के दरबार से बहुत से चीज़ें फाइज होते हैं। पब्लिक को तो फाइज होता है, लेकिन यहाँ पे दरगाह की तरफ से, सज्जादे साहब की तरफ से जो इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, वुमेंस डिग्री कॉलेज, ऐसा कई खिदमात हो रहे हैं। ये बहुत बड़े, बहुत से दरगाहें मैं विज़िट किया हूँ, लेकिन बहुत कम दरगाहों पे, मैं तो समझता हूँ हिंदुस्तान में सबसे पहली जगह है जहाँ पे इस दरगाह से सभी लोगों को एजुकेशन में नंबर वन फाइज और एजुकेशन मिलता है। तो मेन मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। सज्जादे जो भी नशीन है वो बहुत ही पर्सनल इंटरेस्ट लेके, और ख़ासकर हमारे कम्युनिटी में जो एजुकेशन कम है उसके लिए बहुत गुलबर्गा फेमस हुआ है। तो मैं म्यूनसिपालिटी एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर के साथ हज मिनिस्ट्री की भी मुझे जिम्मेदारी मिली है, तो मेरा ये दूसरा प्रोग्राम है। जो पहला तो मैं बेंगलुरु में हज कैंप का मेरा पहला प्रोग्राम था, हज ट्रेनिंग का उद्घाटन किया था। सेकंड प्रोग्राम मेरा गुलबर्गा शरीफ में हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गिलसुदरस के दरबार में इतना बड़ा मुझे मौका मिला है, बहुत बड़ी मेरी किस्मत की बात है। तो मैं समझता हूँ हमारे सभी मेरे भाइयों को, खासकर हमारे कम्युनिटी के नौजवानों को, हम अच्छा सा मेहनत करेंगे और दिल साफ करेंगे और खुदा को मजबूत पकड़े रहेंगे। ये तो बहुत बड़ी मुबारक बात है, ये तो पूरे हमारे पूरे देश की बात भी है और इंटरनेशनल भी इसके खिदमात होते हैं। तो हमारे हैदराबाद कर्नाटक के लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड को भी और खुसरो साहब को भी, ये उनके खिदमात हैं और सही आइडेंटिफिकेशन होके बहुत ही सही तरीके से जिम्मेदारी मिली। शुक्रिया।